और बासी खिला दिया। वेलकम टू शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये ब्लॉग सैटरडे का ही है। सैटरडे आफ्टरनून तक का रूटीन मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर किए थे और इवनिंग से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि सैटरडे संडे हम लोग कहीं ना कहीं बाहर जरूर जाते हैं, मोस्टली अपने घर के आसपास के ही मॉल जाते हैं, तो आज भी हम लोग जा रहे हैं वेगास मॉल और सोचा ब्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहना फ्रेंड्स, बहुत मजा आने वाला है ब्लॉग में। आज में हम लोगों ने आज क्या क्या मस्ती की है वो शेयर करूंगी, साथ में एक थाली की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मॉल में आने के बाद यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल दीपावली वाला वाइब्स आ रहे हैं। यहाँ पर खूब सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, कहीं पे कुर्तियां ही कुर्तियां, कहीं ज्वेलरी ही ज्वेलरी, और कहीं पे ये देखिए कैंडल्स लाइट्स ये रखे हुए हैं, और बहुत सारे आइटम्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल्स, पर्सेज, जो भी हमारे डेली यूजेज की चीजें होते हैं उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो एक बार मैंने यहाँ भी चक्कर लगा लिया था, लेकिन मुझे कुछ लेना नहीं था क्योंकि हमारा दीपावली तो कहीं और मनने वाला है, तो लाइट्स वहीं पे लेंगे, यहाँ से ढो के ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीजों का स्टॉल लगा हुआ था, देख के मजा आ गया। दीपावली वाली वाइब्स आ रही है, खूब सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, है ना, मजा आ गया। देखिए लेकिन दीपावली में हम लोग यहाँ, लेकिन दीपावली में हम लोग यहाँ रहने वाले नहीं है, दिल्ली को भी मिस करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ जाना हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन दिल्ली को भी बहुत मिस करते हैं। जब यहाँ रहते तो वहाँ मिस करते, वहाँ रहते तो हाँ, तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वहाँ जाना है, वहाँ के लिए शॉपिंग करना है, तो यहाँ कोई फायदा नहीं है। दिल खुश हो गया हम लोगों को, क्योंकि H&M काफी सब्जी का फेवरेट ब्रांड है। देखिए ये देखिए हम सब उसी ब्रेड को, सिर्फ दिनेश जी को छोड़ के हम सब वही ब्रेड बन जाए, तो यहाँ नहीं मिलता है उसके लिए हम लोग, या तो ऑनलाइन यहाँ पर देख के ना जो आउटलेट खुलने वाला है बहुत खुशी हुई, क्योंकि या तो ऑनलाइन मंगाना पड़ता है हम लोगों को, या फिर एम्बियंस मॉल जाना पड़ता है। हम लोगों का बहुत ही फेवरेट ब्रांड है, मोस्टली हम लोग उसी का कपड़ा पहनते हैं। जाड़ा भी है, हाँ तब नहीं जाएगी एम्बियंस मॉल, मतलब तो हमारे लिए यही बहुत सफिशिएंट है। जैसे कि ज़ारा से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हाँ ऑनलाइन तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक ऑफलाइन का भी अलग मजा है ना, ज़ारा को जाना चाहिए। हाँ, और बासी खिला दिया, बासी खिला दिया, मूड ऑफ हो गया। पहले दिन जब हम आए थे बहुत अच्छा था, मतलब हमारे अकॉर्डिंग लुक कैसे था, लेकिन आज मिलावट था उसमें। सोच ही नहीं थी रेफल सिर्फ कहाँ से इतना डालेंगे, इतना कॉस्टली है, कहाँ से डालेंगे, तो उसके नाम पर ठगना नहीं चाहिए। अच्छा क्या चीज़ है वो बोलना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग कह रहे हैं कि बड़ी सारी काफी है। हाँ, मसाला के भीतर है, फाइव स्टार में टू स्टार, अभी नया खुला है थोड़ा, हाँ नया खुला है जैसा कि अभी, तो पहले भी अच्छा लगा था, लेकिन आज बहुत हताशा हुई है। गए अनकवर क्योंकि वहाँ पे ऐसा खाना खाने के बाद हमको मन हुआ कि हम कुछ अच्छा खाएं, और ठेले का मोमोज मम्मा ने बोला कि हम कभी खा नहीं पाएंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा, उन्होंने बोला कि हम तुमको रेडी वाला मोमोज नहीं खाने देंगे, तो इसलिए हमें सिचुएशन भी नहीं कर, लेकिन पापा ने हमें सरप्राइज दिया, हमें बोला कि हम तुमको ले जा रहे हैं रेडी वाले मोमोज के पास, लेकिन लेके आ गए हमें अनकवर, जो हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट। मुझे लगा इस बार के ट्रिप में मैं नहीं जाऊँगा, लेके आ गए ये प्लेस शाश्वती स्थान है। यहाँ पर बच्चों ने अपना फेवरेट डिमसम और चिकन टिक्का लिए हैं, मैं और दिनेश जी खाएंगे मशरूम टिक्का, साथ में मैं लूंगी ब्लैक टी और दिनेश जी लेंगे मसाला वाला मिल्क टी, और यही हम सब का डिनर है, और बस डिनर खत्म करेंगे फिर वापस घर जाएंगे। ये नेक्स्ट डे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का क्लिप है फ्रेंड्स, मैंने ब्लॉग की शुरुआत भी रोड से ही की थी, और नेक्स्ट डे जो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग को, वो भी रोड से ही कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हो आप सब, आई होप मेरे
सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो सुबह सुबह वॉक करने के बाद सीधे हम लोग जा रहे हैं, हमारे घर के पास डाबी मार्केट है वहाँ, क्योंकि अब हम लोग एक दो दिन में चले जाएंगे कहीं और। तो सोचा जो संभवी को फिश खिला दूं, और फिश वहीं पर फ्रेश मिलता है, तो जा रहे हैं फिश मार्केट, वहाँ से फिश लेंगे। ये रहे दिनेश जी, स्वामी शास्त्री कहाँ गई, ये निकल जाओ स्वामी, तुम भी, सॉरी स्वामी नहीं सरस्वती। तो चलिए फ्रेंड्स डाबी मार्केट चलते हैं, वहाँ से फिश लूंगी और घर पर सीधे मिलती हूँ मैं। यहाँ पर 1 kg प्रॉन्स को मैंने नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च के पेस्ट के साथ मैरिनेट कर लिया था और तेल गर्म होने के लिए चढ़ा रखा है। इसको ऐड कर देंगे और फिर जाएगा इसमें खूब सारा कुटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 गांठ लहसुन और 3 से 4 हरी मिर्च को क्रश कर लिया था, वो भी ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर पकाना है। और जो लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं और जिनको प्रॉन्स पसंद है, इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, बहुत मजे का बनता है। इधर मैंने राइस चढ़ा दिया है, इसको थोड़ी देर पकाना है तो दूसरे साइड शिफ्ट कर देते हैं। और तब तक मैं रेहू फिश भी लाई थी तो उसको फ्राई कर लेती हूँ, और तब तक प्रॉन भी पक जाएगा, क्योंकि सुबह हम लोगों ने बस हल्का फुल्का स्मूदी ही पिया था, एप्पल स्मूदी, तो सबको भूख लग रही है। और सीधे सीधे मैं लंच बनाने लगी हूँ, आप सबसे आज मैं अपना लंच रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए प्रॉन्स को थोड़ी देर पका लिया था, फिर इसमें 1 teaspoon धनिया जीरा पाउडर, और जाएगा इसमें 1 teaspoon काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 teaspoon मैंने मीट मसाला भी ऐड किए थे। इन सभी मसालों को ऐड करने के बाद थोड़ी देर भूनेंगे, खूब सारा इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड होगा, और 1 से 1.5 मिनट तक अगेन भूनने के बाद फिर इसमें 2 से 3 बिग साइज के टमाटर, धनिया पत्ता थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, और 2 पार्ट्स में कट ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 स्टेज में ग्रीन चिली ऐड किए हैं, एक तो लहसुन के पेस्ट के साथ, फिर क्रश करके, और 2 पार्ट्स में कट करके भी, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही ऐड करना। और बस टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा नमक, ऑलरेडी मैंने प्रॉन्स को नमक के साथ मैरिनेट कर लिया था, लेकिन सब्जी के हिसाब से थोड़ा सा और मैंने नमक ऐड कर दिया है। इसको ढक के स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर पकाएंगे। थोड़ा आलू भी इसमें ऐड करेंगे, 3 आलू को मैंने नमक हल्दी के साथ फ्राई कर लिया था, आलू भी इस स्टेज पे ऐड कर देंगे, और बस इसको ढक के थोड़ी देर स्टीम में पकने देंगे। लास्ट में खूब सारा कोरिएंडर लीव्स ऐड करना है। ये रेसिपी पराठा, चपाती, राइस, किसी भी चीज के साथ बहुत मजे की लगती है, ट्राई करना फ्रेंड्स। तो प्रॉन्स डन है और फिश भी फ्राई हो रहा है, तब तक मैं मसाला पेस्ट बना लेती हूँ। 2 teaspoon पीला सरसों, 2 teaspoon खसखस, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, 1 teaspoon जीरा, 4 से 5 लौंग, और ये देखिए 2 टमाटर। इन सभी चीजों का पेस्ट बनाना है। तो पहले ये सारे मसाले जो है ना, उसको ड्राई ग्राइंड कर लेंगे, फिर हम इसमें टमाटर ऐड करके और पानी ऐड करके फाइन पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर एक बैच फिश फ्राई हो गया है, दूसरा बैच भी फिश फ्राई कर लेंगे, और फिर इसमें गोभी ऐड करके गोभी को नमक हल्दी के साथ फ्राई करेंगे। आज जो मैं आप सबसे फिश करी की रेसिपी शेयर करूंगी, उसमें गोभी और आलू भी जाएगा। तो गोभी को नमक हल्दी के साथ ये देखिए फ्राई कर लिया है, फिश भी फ्राई हो चुके हैं। अब बचे हुए तेल में 5 फोरन कलौंजी, सौंफ, जीरा, राई और मेथी का तड़का ऐड करेंगे, और गया है 3 से 4 बड़ी इलायची, 2 सूखी लाल मिर्च, और जाएगा इसमें 2 तेजपत्ता, थोड़ा सा हींग जाएगा। मैंने प्याज लहसुन ग्रेवी में ऐड नहीं किए हैं, बस फिश को अदरक लहसुन के साथ मैरिनेट किया था, और हींग ऐड करके फिर इसमें आलू के स्लाइस ऐड करेंगे। नमक हल्दी के साथ आलू को पका लेना है। नमक थोड़ा मैं ज्यादा ऐड कर रही हूँ ताकि ग्रेवी में भी काम चल जाएगा, ग्रेवी के हिसाब से ही मैंने नमक ऐड कर दिए हैं। फिश और गोभी में तो ऑलरेडी मैंने नमक ऐड कर रखा है, तो बस ग्रेवी और आलू के हिसाब से ही नमक ऐड किए थे। फिर मैंने जो मसाला पेस्ट बनाया था, मसाला पेस्ट ऐड करेंगे, और 1.5 teaspoon मैंने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1.5 teaspoon मीट मसाला भी ऐड किए थे। और मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही ऐड करना, क्योंकि हम लोग तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही ऐड करना। मसाला के तेल छोड़ने तक सौटे कर लेना है, फिर ग्रेवी जाएगा, फिर इसमें फ्राइड फिश, गोभी, थोड़ा सा हरी मिर्च ऐड करेंगे, ढक के 7 से 8 मिनट तक पका लेना है। और यहाँ पर ये देखिए सीखा निकालने लगी है सूटकेस, ताकि कपड़ा मैं पैक कर लूँ, जाना तो 2-3 दिन बाद है, लेकिन कपड़े ये देखिए कितने बिखरे पड़े हैं, तो सूटकेस आज मैं उतरवा लेती हूँ ताकि कपड़ा पैक कर लूँ।
सात से आठ मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाने के बाद ये देखिए फिश करी डन है। लास्ट में खूब सारा कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे। और इसके साथ मैंने एक और सब्जी बनाई थी, ये देखिए पैन में मैंने सरसों का तेल ले लिया है, मेथी का तड़का ऐड करके बैगन के ये देखिए इस तरह से कट करने हैं। ये देखिए एक बैगन के लंबा वाला बैगन जो होता है ना, उसके दो पार्ट्स तीन पार्ट्स कट करके उसमें कट लगाना है। इसको नमक हल्दी के साथ थोड़ी देर पका लेना है, फिर खूब सारा इसमें लहसुन जाएगा और टमाटर धनिया पत्ता। ये सब्जी बहुत मजे की लगती है पराठा चपाती राइस दाल किसी भी चीज के साथ, साइड डिश है और किड्स लंच बॉक्स ऑफिस लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट आइडिया है फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है फिश करी के साथ हम लोगों को कोई ना कोई भुजिया चाहिए, तो आज मैंने आलू का भुजिया नहीं बनाया था, बैगन का ही ये लहसुन वाला झुट्टी बनाया था। तो ये देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद खूब सारा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिए थे, थोड़ी देर भून लिया था, फिर टमाटर धनिया पत्ता हरी मिर्च के साथ थोड़ी देर पका लिया था, बस डन है सब्जी। थाली का शॉर्ट्स तो ऑलरेडी आप सब देख चुके होंगे, आज मैंने रेसिपी शेयर कर दिया है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं एक बार इस तरह से ट्राई करना बना के फ्रेंड्स। दोनों जो फिश की रेसिपी मैंने शेयर की है बहुत मजे के बनते हैं, और आजकल व्यूज थोड़े से कम आ रहे हैं फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप सब घर की सफाई में बिजी हो दीपावली की सफाई में, तो प्लीज आप सब थोड़ा सा टाइम निकाल के देखा करें और ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।